बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ते हुए हमले नु लेके संसद मेंबर रवनीत बिट्टू वालों दिते गए बयान ते सियासत गरमाउंदी जा रही है। लुधियाना दे घंटाघर स्थित भाजपा वर्करां वालों रोस जाहिर करदिआं रवनीत बिट्टू दा पुतला फूक प्रदर्शन कीता गया। इस मौके बीजेपी दे सीनियर नेता कांतेंदु शर्मा अते जिला प्रधान सिंगल ने कहा है कि कांग्रेस दोगली राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ते जो हमला होया है उसकी जिम्मेवारी रवनीत बिट्टू वालों ली गई है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही निंदन योग है। बीजेपी नेतावां ने कहा है कि उन्होंने अजिही बयानबाजी शोभा नहीं दिंदी। उन्होंने कहा है कि अजिहे नेतावां खिलाफ बीजेपी इसे तरह धरने प्रदर्शन करती रहेगी। जेड़ा कल बहुत ही निंदनीय बयान लुधियाना के MP सरदार रवनीत सिंह बिट्टू वालों दिता गया, वो अज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अज रवनीत सिंह बिट्टू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जोड़ा ये पुतला फूकया। मैं थोड़े चैनल नाल दसना चाहना जिहड़ा कि रवनीत सिंह बिट्टू ने कल बयान दिता भी ये हमला पार्टी के पंजाब के प्रधान के उत्ते मैं करवाया और अगे भी ये हमले होंदे रहणगे उहदी जिम्मेदारी मेरी ये बेहद ही निंदनीय है। एक ऐसे जिम्मेदार MP नूं ऐसी शब्दावली या ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिदे करके कि सूबे का माहौल खराब होवे। और मैं तुहाडे चैनल राही दसना चाहना भी रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार का और रवनीत सिंह बिट्टू की पार्टी का हमेशा ही यह काम रहा भी कितने भी शांतिपूर्वक जोड़ा सूबा वह हालात डिस्टर्ब किया जाए, हिंदू सिख भाईचारे के उत्ते अटैक किया जाए, किसी न किसी तरीके किसान अंदोलन की आड़ किसी न किसी तरीके लाभ चाके सियासी लाभ लिया जाए। और मैं थोड़े चैनल में दसना चाहना भी जेड़े ये MP ने रवनीत सिंह बिट्टू जेड़े कि यूथ कांग्रेस वालों भी ये कह रहे हैं भी ये पार्टी वाले ते हमले करो, यूथ कांग्रेस वाले ने पिछे मैं थोनू थोड़ा जिहा इतिहास याद करवाना चाहना भी पिछे इत्थे समाज सेवी ने अनमोल कवात्रा जी उहदे परिवार ते हमला यूथ कांग्रेस वालों ने किया। उस तो बाद इंडियन समर रेस्टोरेंट के बाहर यूथ कांग्रेस वालों ने गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। उस तो बाद इत्थे यूथ कांग्रेस के इलैक्शनों के यूथ कांग्रेस वालों ने पूरी बदमाशी की, लोक इंसाफ पार्टी वालों पर हमला किया और साडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर भी हमला किया। मैं ये कहना चाहना किसान भरावां नूं, किसान भराओ ये सियासी लोग ये MP रवनीत सिंह बिट्टू ये सियासत कर रहे हैं, ये आपकी किसान अंदोलन की आड़ दे विच शहर का माहौल पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। इन्हां दी बिल्कुल भी गल्लां च ना आओ। जे भी किसान भरावां दा कोई मुद्दा हैगा उहदा बैठ के हल करांगे। कल भी साडे जिहड़े मंत्री ने अनुराग ठाकुर जी लुधियाने वर्चुअल रैली कर रहे हैं, किसानां नाल मीटिंग भी कर रहे हैं, कुछ PAU दे प्रोफेसर आ उन्हां नाल भी बैठक कर रहे हैं और इहदा मसला जल्दी हल हो जाएगा। उस हमले नूं लै के जिस प्रकार लुधियाना दे सांसद रवनीत बिट्टू ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिता है जिस उन्होंने कहा है कि हमला मैं करवाया, मैं समझदा कि ये पंजाब दे अंदर द्वारा तो आतंकवाद लिया की कोशिश है, माहौल खराब करने की कोशिश है। इस तो 5-7 दिन पहलों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोड़े कि पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने एक इस प्रकार का बयान दिता सी कि जोड़ा किसान अंदोलन है इस अंदोलन के अंदर ISI शामिल हो सकती है। मैं समझदा कि अज जिथे मुख्यमंत्री जी ने अपने अंदर सुधार करने की लड़ है उत्थे लुधियाने के MP रवनीत बिट्टू जी ने अपनी भाषा को कंट्रोल करने की लड़ है और पंजाब के माहौल को ठीक करने की लड़ है। जय हिंद जय भारत। पिछले दिन पंजाब का माहौल खराब करने के चक्कर च भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी के उत्ते हुशियारपुर जिले के दसूए के कोल जिहड़ा कातलाना हमला होया। कल रवनीत बिट्टू इस लुधियाने का सांसद जिहड़ा हिंदुस्तान की पार्लीमेंट च बैठता वो ये बयान दे रहा है कि यह हमला मैं कराया, उन्हें शर्म आनी चाहिए है। तुसी हिंदुस्तान के मैंबर ऑफ पार्लीमेंट हो, सदन च बैठते हो जाके थानू ये गल जे वह बंदा ये हरकतां करता। कांग्रेस का पुराना इतिहास शुरू तो अत्तवाद गुंडागर्दी को शह देने वाला रहा और अज रवनीत बिट्टू ने बयान दे के गल प्रूफ करती है कि मैं अत्तवाद का और गुंडागर्दी का समर्थन करदा। किसी किसान भाईचारे ने किसानों ने कोई ये हमला नहीं किया, उन्होंने आड़ च पंजाब का माहौल ये कांग्रेस खराब करना चाहती है। लुधियाना तो सुरिंदर सोनी की रिपोर्ट। हुण समस्या भावे कोई भी होवे इधर उधर ना घूमो क्योंकि श्री महाकाली ज्योतिष केंद्र करनगे थोड़ी हर समस्या का हल वैदिक विधि नाल। तुसी रोंदे हुए आओगे ते हसदे हुए जाओगे। जेकर थोड़ा पति प्रेमी जा बेटा किसी दे वस विच है तां घबराओ ना। प्यार विच धोखा खादे प्रेमी प्रेमिका जल्द संपर्क करन, असी थोड़ा प्यार टुटन नहीं देवांगे। जिवें वशीकरण लव मैरिज कोर्ट कचहरी विच जित, विदेश यात्रा कर्जे तो छुटकारा, कारोबार विच काटा, लॉटरी नंबर, बीमारी विच दवा ना लगना, पति पत्नी विच अनबन,
किया किराया रुस्से प्रेमी प्रेमिका नु मनाना व्याह लई माता पिता नु मनाना विदेश विच पक्का होना आदि हर समस्या का हल पंडित देव शास्त्री जी करनगे एक फोन ते। पता नोट करो, श्री महाकाली ज्योतिष केंद्र नजदीक करन हस्पताल यूको बैंक दे सामने बंगा। आने तो पहला फोन जरूर करो जी, मोबाइल नंबर 94644 0615।